ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये रोड पर सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी देखे रेडी पे भी नहीं है, रोड सड़क के ऊपर है। और ये क्यूआर स्कैनर के जरिए स्कैन करेंगे अभी और अपनी मिर्चें लेके जाएंगे। चेक करिएगा आप, ये देखें, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी क्या हमारे इधर है? इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी, एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड क्यूआर कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं, आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री है? बेल्जियम। नहीं, ये इंडिया है। वही मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है ना, वो हमारे से भी बहुत आगे, तो हमारे मुल्क के भी दो टुकड़े हो जाने, बलूचिस्तान और केपी की अलग हो जाएगा हमसे, और सब ये चाहते हैं। पहले 71 में हमसे बांग्लादेश छीन चुका, हालात उधर ही चले गए हैं, बिल्कुल उधर ही हालात है। के जरिए बताएं कि कौन सा मुल्क हो सकता है ये जो भी मुल्क है, मगर ये लोग मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ये मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ये देखे तो मिर्चे खरीद लेंगे, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं सर। ये इंडिया, ये जो भी है, मगर ये आपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो उनसे आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये हमें भी मुतारफ करवाओ। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं ना कर सकता है यार, आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को। क्यों नहीं कर सकते हम? हमें क्या कमी? हमें कमी ये है कि हमारा चाहते हैं कि यार बस पैसा ना जुगाड़ से आ जाए, कुछ ना करना पड़े, जुगाड़ से। जब जुगाड़ से आ जाए ना, तो फिर कैसे कि आईटी में पाकिस्तान कितना आगे है दूसरी दुनिया से? अगर हम आस पड़ोस की बात करें तो हम आगे हैं या पीछे हैं? नहीं, आईटी की बात की जाए तो हम तो काफ़ी पीछे हैं। दरअसल हमारी जो आपको पता ही है कि जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक हैं, इंडिया हो गया और दूसरे ममालिक हैं, उनके मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। इसी बारे में ना आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो देखनी है आपने और बताना है कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये रोड पर सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी देखे रेडी पे भी नहीं है, रोड सड़क के ऊपर है। और ये क्यूआर स्कैनर के जरिए स्कैन करेंगे अभी और अपनी मिर्चें लेके जाएंगे। चेक करिएगा आप, ये देखें, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी क्या हमारे इधर है? इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी हमारे इधर तो मेरे मुताबिक तो नहीं है इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी जो है। ये अब सब्ज़ी ले रहे हैं आपके सामने, हम सब्ज़ी लेते हैं रेडियो में जाके, पहले तो उनसे खपना पड़ता है भजन, इतना रेट कर ले, ये कर ले, फलां कर ले। हमारे मिनिस्टर तो ये कर ही नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। जर्मनी के मिनिस्टर उस मुल्क में आके हैरान हुए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी नहीं है, कि एक सब्ज़ी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड क्यूआर कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं, आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री? बेल्जियम। नहीं, ये इंडिया है। वही मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है ना, वो हमारे से भी बहुत आगे, ये बात। लिटरली आप एक बात सोचो, रोड पर सड़क पर पड़ी हुई है उनकी सब्जियां, वो बेच रहे हैं क्यूआर कोड के स्कैनर के जरिए। हम इस टाइम हफीज सेंटर के आगे खड़े हैं, कोई एक मोबाइल वाले शादर नादर एक बंदे ने क्यूआर स्कैनर रखा होगा, जो क्यूआर स्कैनर के जरिए अपना पेमेंट करवाता। बाकी तो यहाँ पर तो बैंक अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मोस्टली ऐसा ही है, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो इंडिया हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है, ये बात हकीकत है। ये आपको भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और दूसरे यार, और तो और अफगानिस्तान हमसे बहुत आगे चला गया यार। अफगानिस्तान की आप करेंसी देख लें। लम्या फिक्र है ना, ठीक है, सॉरी, लम्या फिक्र है हमारे पास। वो तो जाहिर सी बात, क्या कहना चाहेंगे अगर इसी तरह ही रहे हम, इसी तरह ही रहे तो अगर, क्या अगर हमारे मुल्क के ये हालात हो गए, तो हमारे मुल्क के भी दो टुकड़े हो जाने, बलूचिस्तान और केपी की अलग हो जाएगा हमसे, और सब ये चाहते हैं। पहले 71 में हमसे बांग्लादेश छीन चुका, हालात उधर ही चले गए हैं, बिल्कुल उधर ही हालात है, कोई समझ नहीं आ रही। हम तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बनाया और खाई जा रहे हैं, कयामत तक ये मुल्क रहेगा। सर, मुल्क रहेगा, लेकिन मुल्क के हिस्से तो हो सकते हैं ना, जैसे कि 1971 में हुए, आपने खुद ही बोला। तो ये चीज़ें तो हुक्मरानों को सोचनी चाहिए ना, कि टेक्नोलॉजी अगर आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। मेन चीज़ तो इम्प्लीमेंट है, टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया में आ जानी है, लेकिन उस मुल्क में जो इम्प्लीमेंट करवाना है, वो हुकूमत ने करवाना है, हुकूमत के नुमाइंदों ने करवाना है। वो कौन है? ये जो हमारे वजीर हो गए, हमारे MNAs MPAs हो गए, इन्होंने करवाना है ना, क्योंकि हम वोट के ज़रिए इनको लेकर आते हैं। तो इधर तो इम्प्लीटेशन किसी चीज़ की है ही नहीं। ये ट्रैफिक देख लें आप, कोई ऐसा इसका भी ओवर पॉपुलेशन है ना, ओवर पॉपुलेशन यार, इसको किस तरह, किसने करना है? हमने तो नहीं करना, हम तो अपने टैक्सीज भी दे रहे हैं, हम अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। जब आपके पास मेमोरी ही 60 GB की है, आप उसके अंदर 100 GB एक्स्ट्रा डालेंगे, आप उसके अंदर 40 GB जब आपके एक्स्ट्रा होंगे, तो ऐसे ही ट्रैफिक जाम होगी ना, रश ऐसे ही होगा, गहमा गहमी है यहाँ पर। हमारे पास रोड जो कंस्ट्रक्शन है, वो हमारे पुराने ज़मानों की तरह, जहाँ पर अगर पाकिस्तान जब बना था, तब हमारी आबादी कोई 16 करोड़ होगी,
17 करोड़ होगी, उसके हिसाब से ये रोड कंस्ट्रक्शन है। अभी देखें 25 करोड़ आबादी है, तो यहाँ पर कैसे मैनेज हो गया? आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, आप कभी बलोचिस्तान गए? नहीं मैं नहीं गया। आप बलोचिस्तान जाए, उनके लोग हमसे इतने पीछे हैं ना, आपकी सोच है। अच्छा, आपको उनका जो ज़िला है ना, वहाँ पे भी कच्चे मकान आते हैं, सड़कें सिर्फ क्या बनी हुई हैं, सी पैक बना हुआ, जो रस्ते उधर को जाते हैं सिर्फ वही सड़कें बनी हैं। और बलोचिस्तान वाले लोगों के हालात बिल्कुल बद से बदतर, वो रो रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे पास बलोचिस्तान के अंदर तहरीक चल रही है आज़ादी की, क्या ये सच बात है? वही बात तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर ये हालात रहे तो ये पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे, और ये हम कभी नहीं चाहते कि अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी। हमारा मुल्क है, लेकिन देखें जब तक हम आंखें बंद करेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ दुश्मनी भेजी जाती है इंडिया की, इंडिया के नाम पर यहाँ पर लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं एक कश्मीर के टुकड़े के लिए। आप मुझे बताएं, वहाँ पर ज़्यादातर ज़्यादा आबादी होगी 60 लाख की, 80 लाख की, और यहाँ पर 22 करोड़ आवाम मार रहे हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ यहाँ पे क्या हुक्मरानों क्या कर रहे हैं। हुक्मरान सिर्फ एक दूसरे से बदला ले रहे हैं, फलाने ने मेरे साथ ये किया मैं उसके साथ ये करूँगा, इसमें भी सवाम रही है। हम जैसे जो लोग अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, जो सिर्फ मुश्किल से ही अपना गुजारा कर रहे हैं, पिसवो रहे हैं। मेरे जैसे भी कई होंगे, आप हैं, ये भाई हैं जो अपना यकीन जाने जो कमाते हैं ना, डेली का डेली लग जाता है। हकीकत बात है, आज के दौर में 2000 रुपये 3000 रुपये एक दिन में लग जाता है, ठीक है, इजीली लग जाता है, और इतनी इनकम है नहीं। सोचें कि जिसका 2000 3000, जिसकी इनकम ही 1000 रुपये या 800 रुपये या 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो क्या करेगा बंदा? वही ना यार, ये अपने मामलात अपने पर्सनल रिलेशन में लगे हुए हैं, ये नहीं देख रहे कि फलाने का क्या है, फलाने का क्या है। नहीं, कोई नहीं देख रहा, बस फलाने ने मेरे साथ ये किया, फलाने ने मुझे गाली दी, हम इनको जलील करेंगे, फलाना करेंगे। यार ये यहाँ पर हमारा मुल्क चार जंगे लड़ी इंडिया के वास्ते, इंडिया में कश्मीर के लिए। आप मुझे बता दें, इस आवाम को बताएं कि चार जंगों में नुकसान किसको उठाना पड़ा? जाहिर सी बात है, आवाम ने उठाया, हमने उठाया। एक फैसला कर लें, कश्मीर को या उन्हें दे दें या हम रख लें, या जो जिन किसी के पास जिनके पास है उससे मुत्तफिक हो जाए, और इंडिया के साथ कहें कि भाई आज के बाद आपसे हमें कोई गिला कोई शिकवा नहीं, आज वो ट्रेड करते हैं मिलकर, ट्रेड का हल है या नहीं? हर चीज़ जाहिर सी बात है, हल है, बैठे अपने मामला ठीक करें और सारी उनसे बात करें, सारी गुफ्तगू करके अपने इंडिया के। देखें, हम अगर कोई बिजनेस करते हैं ना, हमारा अगर ये फी सेंटर है ना, या दुकान वाले के साथ अगर अच्छा ताल्लुकात नहीं होंगे ना, वो कैसे करेगा? इंडिया हमारा पड़ोसी है, ठीक है, अगर उनके साथ हम बैठ के बातचीत करके सारे मामला सोल्व आउट करें तो इसमें कोई हम नीचे नहीं हो जाएंगे, ठीक है। या आज की यूथ को इस चीज़ का शौर है, आज की यूथ कहती है कि दुश्मनी कोई चीज़ नहीं, आज की यूथ कहती है सिर्फ ट्रेड बिजनेस। अब आप चाइना और इंडिया को देख लें, इनके दरमियान लद्दाख का इतना बड़ा इशू है, लेकिन फिर भी ट्रेड बंद नहीं करते वो। उनको पता कि भाई ट्रेड बंद करेंगे हमारा ही लॉस होगा, हमारे लोगों का लॉस होगा। यहाँ पर आप चीज़ें अगर ट्रेड बंद कर देता है इंडिया या चाइना एक दूसरे से, एक दोनों बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर है, अगर चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी, एक आम आदमी से चीज़ें खरीदना मुश्किल हो जाएगा जो अभी मुल्क के अंदर हो। शायद आपको भी पता हो इस बात का, जो हमारे पास जो समुद्री रास्ता है ना, वो सबसे मेन रास्ता है। शायद आपको पता हो कि चाइना से जो भी ट्रेड होती है, पूरे मुल्क जिधर से ट्रेड होती है, यहाँ से गुजर के जाता है, होके जाता है ना। और यकीन जाने मैंने ये चीज़ पढ़ी भी हुई है, सुनी भी हुई है, कि अगर यही वो इनको इनकम वही वाली आती रहे ना, तो पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्कों में आ सकता है, इतना जो है समुद्री अच्छा रास्ता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं उठाते यार। बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच, एंड नाइस टॉक विद यू, वेरी नाइस टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? अब्दुल मोइस। क्या करते हैं? मैं अपनी कंपनी है मेरी आईटी की। आईटी की कंपनी है, जबरदस्त यार, आईटी वाला बंदा मिल गया। आईटी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है मेरा, क्या कहना चाहेंगे, आईटी में हम कितने आगे हैं दुनिया से? आईटी में अभी हम फिलहाल बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत पीछे हैं इंडिया से, बहुत ज़्यादा इंडिया से नहीं, इवन ऑल कंट्री से हम बहुत पीछे हैं। ये मैं आपको ना एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, ये जर्मनी के मिनिस्टर है कोई, ये एक कंट्री है, ये देखिएगा, सब्जी खरीद रहे रोड से ही, अभी पेमेंट करेंगे बजरिए QR कोड, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी कंट्री हो सकती है, ज़रा इसको देखें। आई थिंक ये पाकिस्तान ही है। नो, पाकिस्तान में कोई QR कोड नहीं, नहीं, ये इंडिया है, इंडिया या इंडिया, मेरे ख्याल से इंडिया। पाकिस्तान में QR कोड का कॉन्सेप्ट है? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सही, लेकिन बहुत से रेयर लोगों के पास होगा जो करते हैं, बहुत से रेयर के पास। सब्जी वाले के पास तो तुक भी नहीं बनता ना, ये सब्जी वाले के पास है। मैं बड़ी बड़ी दुकानों में गया हूँ, इधर भी आप हफीज सेंटर में खड़े हैं, हम किसी दुकान में चले जाएं, बैंकिंग तो उनके पास बहुत कम है, अवेलेबल बहुत, बिल्कुल बहुत कम है, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये जर्मनी से आए, ये हैरान है, जर्मनी के अंदर भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है कि QR कोड के जरिए आप पेमेंट करो, ये भाई इंडिया है।
वही मैं इंडिया है ना, इंडिया है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना डेवलपमेंट कर लिया इंडिया ने अपने आप? इंडिया ने बेसिकली उनकी जो हुकूमत है और जो उनका हुकूमत का उनके साथ है, बेसिकली सारी बात ही है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार हम ना पहले मुल्क के लिए ना कर्जा ले लें, तो उसके बाद हम करेंगे। बेसिकली आज की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं उधर से शहीद आलम रोड से आ रहा था, तो वहाँ पे एक ना बहुत बड़ा पार्क था जो बिल्कुल खाली, किसी का कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही ऑपोजिटली ना मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि यार कि अगर पाकिस्तान इसको गरीबों को भेज दे, मतलब कि जिनके पास दो दो लाख है, तीन तीन चार चार लाख रुपया ऑलमोस्ट उसके बहुत ज़्यादा रकबा था, वो दो दो मरले भी अगर किसी को भेजते ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का आधा कर्जा उतर जाता। तो बात ये है, हम ये सोचते हैं कि नहीं यार कर्जा ले लें, देना नहीं देना बाद की बात है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट है। यूपीआई है, यूपीआई सबसे पहले इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुतारिफ करवाई थी, और आज यूपीआई को आपको पता 18 से ज्यादा मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो उनसे आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये हमें भी मुतारिफ करवाओ। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं ना कर सकता यार, आप बेहतर समझते इस चीज़ को। क्यों नहीं कर सकते हम में क्या कमी? हमें कमी ये है कि हमारा चाहते हैं कि यार बस पैसा ना जुगाड़ से आ जाए, कुछ ना करना पड़े जुगाड़ से। जब जुगाड़ से आ जाए ना, तो फिर करने की क्या जरूरत है, करने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ ऐसे है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी इजाद करता है या मुतारिफ करवाता है, उसको ये पकड़ के साइड पे कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या आप कह रहे हैं, आप रिएक्शन दे रहे हैं नहीं का। अब बेसिकली 2000 मेरे ख्याल से 17 या 18 में एक बंदे ने ऐसा जनरेटर आपको तारुफ करवाया जिसके लिए ना फ्यूल था, ना आपके लिए गैस थी, ना कुछ भी था। उस बंदे ने जब इसको शो करवाने की कोशिश की, तो आपको पता है उसको 3 साल की सजा कर दी गई थी। अब मसला क्या था, क्यों उसको बंद किया गया? टैक्सेस नहीं आने थे, बिजली खर्च नहीं होनी थी कुछ में। इवन के ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो रही है, ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही है। तो हमारा पाकिस्तान पान के अंदर इसी बंदे ने इंजन पानी पर ही चलाया, तो उसको नोबेल प्राइज दिया गया। देख लें बस, यही तो फर्क, अरे गायब कर दिया गया, बिल्कुल गायब कर दिया गया। मैं यहाँ पर उसका हाथ ही कटवाए गए, अभी हाथ कटवा दिए तो क्या होता। एक यहाँ पर एक और कंसर्न भी है, अगर आईटी में देखें तो आज वो आईटी इंडस्ट्री के अंदर इतने ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चंद्रयान मिशन चांद पर। मजे की बात देखें, आईटी क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना, आप सिस्टम लिमिटेड लगा लें, डेफिन सॉफ्टवेयर हाउस है, इनके सारे जो बेसिक हेड ऑफिस है कहाँ पे हैं, आपको यूके में मिलेंगे, दुबई में मिलेंगे, लेकिन उनके जो सीईओ हैं वो पाकिस्तान है। मेरे खुद कस्टमर है, मेरे खुद क्लाइंट है, सिस्टम लिमिटेड मेरा क्लाइंट है, डेफसिंग मेरा क्लाइंट है, लेकिन उनके बेस हेड ऑफिस जो बेस है वो या तो यूके में है या किसी और कंट्री में है, किसी और कंट्री में। अगर वही पाकिस्तान में होता तो एक नाम होता। ऐसे पास तो यूट्यूब का भी भाई यहाँ पर आउटलेट आया नहीं हुआ। आप ये देखें कि YouTube को भी Facebook का मोनेटाइजेशन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडिया में सब कुछ है, इंडिया में सब कुछ है, पाकिस्तान में आपको मोनेटाइज करवाना है तो आप किसी से चैनल खरीद सकते हो, और कुछ नहीं हो सकता, या पैसे पे कर दो, ऑनलाइन पे कर दो। फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर मैं ये देखता हूँ कि अगर एक जनरली बात करूँ ना, अगर आप पाकिस्तान में सर्वाइव करना चाहते हो तो बिजनेस करना है, तो इम्पोर्ट पावर अपने हाथ में रखो। इम्पोर्ट पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आगे मेरा जहाँ तक ख्याल है, पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात से अभी होने वाले। रिसेंटली आज की जो डॉलर की प्राइस है वो 323 है, जो कि कल 203 थी, डायरेक्ट ही 223 पे चला गया, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी लॉस हुआ यार, दुआ करना मेरे लिए। 297 हुआ पड़ा, नहीं भाई हाई अलर्ट आज, अभी मैंने देखा था। आप बेसिकली असल में देखते हैं, ये आप रेट ये 297 है। इसकी जो फोरेक्स पे आप जाएंगे ना और बाइंग और सेलिंग देखेंगे, वो 223 पे चली गई है। 223 पे बेसिकली यही लोग देखते हैं कि मार्केट में चले यार, ये देखो ये राइट आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे से आपका नेशनल बैंक क्या दे रहा है, आपको क्या नहीं दे रहा, कहानी तो सारी वहाँ से स्टार्ट होती है ना। तो इसलिए बात करेंगे, इसी की बात कर लें आप, बांग्लादेश की, उसकी भी करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान की ज़्यादा। इनकी स्ट्रॉन्ग की मतलब वजह जो उनसे ये है वो ये है कि उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, हमारे गवर्नमेंट इदारे नहीं अच्छे, सिंपल बात इतनी सी है। और मेरे ख्याल से जब तक गवर्नमेंट इदारे अच्छे नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, इवन कि एक बंदा भी नहीं सेट हो सकता, यहाँ पर सेटल हो ही नहीं सकता। मेरे खुद जानने वाले हैं मैंसोल में काम करते हैं, उनकी जो है वो बंदे यहाँ से बाहर भेजते हैं, रिक्वायरमेंट आती है उनको अब कंट्रीज़ में, अपने हाथों से हम बंदे बाहर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, रोटी एक बंदा एक टाइम की नहीं खा सकता। काउंटेबल जो काउंट करके बता रहे हैं वो 17 लाख पाकिस्तानी बाहर जा चुके हैं, और ये तो काउंटिंग है, जो डंकी मार के जाते हैं उनकी तो अभी कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, और इतने सारे लोग जो हमारा एसिड मुल्क का वो बाहर चला जाएगा, कैसे पाकिस्तान वही होगी नहीं, बिल्कुल भी होगी नहीं। और हम कहते हैं कि भाई हम आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को टक्कर देंगे, नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी तो करेंसी अप हो चुकी है इस चंद तक, उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा अप है, 81 रुपए है डॉलर, एक डॉलर का रेट 81 है इंडिया में, और यहाँ पर 300 रुपये पहुँच गया है, देख लें आप खुद देख लें। क्या गवर्नमेंट जितना उनकी गवर्नमेंट जितने उनके साथ लॉयल है, क्या हमें कोई एक भी बंदा मिला?
हाँ जो जो मिला है उसके साथ आपके सामने जो बुरे हालात हुए हैं, ठीक है, मरियम नवाज साहब हैं हमारी, वो जाके जो है जेल में जाके उसको उसके थूक के उसके ऊपर पैर मार रही हैं, और अल्लाह ने उसके साथ ऐसा किया है कि मौके पे ही उनके गिटे में मौज भी आई, उधर ही गिर गई। अच्छे के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अच्छे के साथ बुरा करोगे तो बहुत बुरा होगा। बहुत शुक्रिया गाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये वाला बीच में से काटना नहीं है, ये वाला जो बीच में लाना है। सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद यूसुफ। क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं सर, क्या हालात है मुल्क के, कैसा गुजारा चल रहा है, क्या सही चल रहा नहीं निज़ाम? निज़ाम तो भाई काफ़ी ख़राब हो गया हमारे मुल्क में। अच्छा। हाँ जी, गुजारा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, घर के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि खाने पीने के लिए इतने पैसे नहीं हैं जितने बिल भेज देते हैं, और बड़ी मुश्किल निज़ाम चल रहा है। सर आईटी इंडस्ट्री में और दूसरे सेक्टर्स में हम दुनिया से कितने आगे हैं? काफ़ी पीछे चले गए भाई। क्यों? इन्होंने जो सियासतदान है हमारे मुल्क, इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर कर रख दिया। सर एक छोटी सी वीडियो है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उस पर बताइएगा कि आप क्या कहते हैं। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये अभी सब्ज़ी खरीदी इन्होंने रोड से, सब्ज़ी खरीदने के बाद अभी स्कैनर के जरिए पेमेंट करेंगे। जी जी। रेडी वाले हैं, नीचे देखिए रेडी भी नहीं है, रोड पर सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं और पेमेंट मिनिस्टर साहब कर रहे हैं क्यूआर स्कैनर के ज़रिए। बताएँ कि कौन सा मुल्क हो सकता है ये? जो भी मुल्क है, मगर ये लोग मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, ये मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ये देखे तो मिर्चे खरीद, अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सर ये इंडिया, ये जो भी है, मगर ये अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। हम पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं हम, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये हमारे से बहुत